नासरीन अस्सलाम वालेकुम, मेजबान हाया जावेद के साथ आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। 14 अगस्त 2024 ईस्वी बमदावी के 8 सफर मुजफ्फर 1446 हिजरी पर रोजे बुधवार। डालते हैं आज के खबरनामे पे एक नजर। दफा 370 की मनसूखी तारीख ही थी, जम्मू कश्मीर में तरक्की का नया दौर शुरू हो गया। लोग ऐसे अनासिर को बाइख्तियार या मजबूत न करें जो अमन और तरक्की के लिए नुकसान देह हो। बदउनवानी का मुकम्मल खात्मा हो चुका है। इंतजामिया लोगों के मसाइल और उमंगों को हल करने के लिए सरगर्म अमल। पाकिस्तान दहशतगर्दी का जरिया है। जम्मू कश्मीर में अमन खराब करने की कोशिशें भी कभी कामयाब नहीं होंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। यौमे आजादी की तकरीबात को खुश असलूबी के साथ अंजाम देने के लिए जम्मू कश्मीर में हिफाजत के गैर मामूली इकदाम। सरहदों पर भी फौज को चौकस रहने की हिदायत दी गई है। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर कल यौमे आजादी की तकरीब पर मार्च पास्ट पर सलामी लेंगे, सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। स्टेडियम और इसके गर्दोनवाह के इलाकों में गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और स्टेडियम की जानेब हर जाने वाले रास्ते पर पहरे लगा दिए गए हैं और तीन टायर सिक्योरिटी हालात पर नजर रखे हुए हैं। शुमाली फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सचिंद्रा कुमार का दौरे किश्तवाड़ और डोडा। यौमे आजादी से कबल सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदादी मिलिटेंसी ग्रिड को मजबूत बनाने के इकदाम का जायजा लिया। बलिदान सितम पर काम मुकम्मल हुआ। 15 अगस्त को अवाम के लिए खोला जाएगा। अवाम इस जगह का दौरा करे और अजीम हीरोज को खराज तहसीन पेश करे। एसएमसी कमिश्नर ऐसा हमारी टाइमलाइन थी कि 15 अगस्त से पहले जो हमारा बलिदान स्तंभ है ये कंप्लीट हो जाए, इसका जो काम है, और ताकि जो यहाँ पे सेरेमनी है वो 15 अगस्त पे हो सके। और आज 13 अगस्त पे फुल ड्रेस रिहर्सल भी यहाँ पे हुआ, तो ये रेडी है और ये एक बड़ी अचीवमेंट है। ये हार्डवर्क है सारे जो हमारे यहाँ पे काम कर रहे थे, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल द वर्कर्स और हमारी जो टीम है स्मार्ट सिटी की, जिन लोगों ने मेहनत की है। और अब आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से रेडी है और जो हमारी 15 अगस्त की सेरेमनी है वो भी यहाँ पे हो पाएगी। और मैं इनवाइट करना चाहूँगा आप सभी लोगों को आपके माध्यम से, आम जनता को, कि यहाँ पे ज़रूर आएँ और ये फील लें कि ये जो मेमोरियल बनाया गया है, बलिदान स्तंभ बनाया गया है, ये सिग्निफाई करता है कि जो लोग हैं, जिन लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं देश के लिए, और ख़ास तौर पर जो जम्मू कश्मीर में जो लोग मार्टियर हुए हैं फॉर द कंट्री, उनको श्रद्धांजलि देता है। तो ज़रूर यहाँ पे आएँ और इस चीज़ को यहाँ पे महसूस करें। अभी तो एंट्री फ्री का ऐसा कुछ नहीं है और हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है, ये ओपन रहेगा पब्लिक के लिए और पब्लिक यहाँ पे आ सकती है और इसको महसूस कर सकती है, जो यहाँ पे एनर्जी है उसको देख सकती है। 15 अगस्त को लेकर क्या तैयारियाँ हैं एसएमसी की जानब से? जो 15 अगस्त की तैयारियाँ हैं वो पूरी तरह से मुकम्मल हैं। हमारी
वो मेन मेन्यू हो या फिर हमारा SMC का अपना कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे जो तैयारियाँ रहती हैं वो पूरी तरह से की गई हैं हमारी तरफ से, सैनिटेशन से लेके जहाँ पे इम्पोर्टेंट रोड्स हैं उनका मेंटेनेंस, ड्रेनेज का मेंटेनेंस और वाटर सप्लाई जो है वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। और मुझे उम्मीद है कि हमारा जो ये 15 अगस्त का पूरा जो दिन है, हमारे सारे के सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑन टूज रहेंगे और बहुत अच्छे तरीके से निकलेंगे। हालिया मिल्टन सर, गर्मी को मद्देनजर रखते हुए 15 अगस्त के लिए मुकम्मल सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है। पुलिस कश्मीर में उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजों से पूरी तरह वाकिफ है। IGP कश्मीर, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस का जो फंक्शन है वो आने वाला है और आज पूरे जो कश्मीर के सभी वादी के सभी जिलों में इसकी ड्रेस रिहर्सल और बाकी जो सिक्योरिटी रिहर्सल है उसका इनकार हुआ और फुल ड्रेस रिहर्सल हुई है और बाकी जिलों में भी 15 अगस्त के दौरान जो अपने कल्चरल प्रोग्राम्स और मेन इवेंट्स होंगे उसके लिए बड़े पुख्ता सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा और जगह जगह काफ़ी रेगुलेटरी नाके और उस टाइप के रहे हैं। तो यहाँ पे भी मल्टीपल टीयर सिक्योरिटी इंतजाम है तो 15 अगस्त को भी इसी तरीके के इंतजाम होंगे। जैसा आप जानते हैं कि इस टाइप के सिक्योरिटी अरेंजमेंट होते हैं तो ऐसी चीज़ों को नज़र में लाके ही सिक्योरिटी इंतजाम होते हैं ताकि वो काफ़ी पुख्ता रहें और पुख्ता। अभी जैसा आपने बोला कि वो वाला जो ऑपरेशन है अभी अपने इख्तितामी मरहले पर नहीं पहुँचा है, अभी वो रवा है ऑपरेशन। और इस टाइप की चीज़ें हम लोगों को जैसा कि सिक्योरिटी फोर्सेस को इस टाइप का अंदाजा या इंफॉर्मेशन रहती है तो उसी के कारण इस टाइप के ऑपरेशन हो पाते हैं। तो लिहाजा हम लोग इन चीज़ों के प्रति काफ़ी सचेत और विजिलेंट। एडवर्सरी इस टाइप की कोशिशें करता रहता है बट जैसा आपको बोला है कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट उसी के हिसाब से जो है मीटर्ड या टोन्ड अप होते हैं। थैंक यू। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात से कबल BJP की साख्त मजबूत करने के लिए वजीर अजम और वजीर दाखला जम्मू कश्मीर का दौरा करके इंतखाबी मुहिम की कयादत करेंगे। रैलियों के लिए प्लान को हतमी शक्ल दी गई है। जल्द BJP हाईकमान को मंजूरी की दरखास्त भेजी जाएगी। घड़ोल झड़प जंगलात में कल चौथे रोज भी तलाशी ऑपरेशन जारी रहा। घने जंगलात में ड्रोन और फिजाई खिदमत भी हासिल की जा रही है। हमने फैसला किया है कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में अपने नुमाइंदों को खड़ा करेंगे। जहां सिख बरादरी सियासी नुमाइंदों को अपने वोट से मुंतखब करने में नुमाया किरदार अदा करते थे वहीं आज सिख बरादरी भी वादी के अक्सरियती तबके से उनके नुमाइंदों को कामयाब करने की दरखास्त करते हैं। हम आज तक वादी के लोगों के साथ शाना बशाना चलते रहे इसलिए हमारा नुमाइंदा असेंबली में होना हमारा हक बनता है। आल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी। फ्रेंड्स, यू आर अवेयर दैट देयर इज ए बज अबाउट द होल्डिंग ऑफ असेंबली इलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन अनाउंस द इलेक्शन डेट एनी टाइम एंड द बॉल विल बी सेंट रोलिंग as far as elections are concerned. It is highly unfortunate that although seats in the legislature have been reserved for scheduled castes, scheduled tribe, Kashmiri pandits, but no such provision has been kept for the Sikh community of Jammu and Kashmir. The Delimitation Commission, headed by retired Judge Ranjana Desai, framed the constituencies in Jammu and Kashmir. We were hoping that in this process due representation will be given to Sikhs and some seats will be reserved for the community. The all parties Sikh coordination committee met Ranjana Desai twice with the hope that something concrete will be done for the Sikhs of Jammu and Kashmir. आपके सामने एक डिटेल जो हमारी मंशा थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपके सामने रखा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन जो सिख कम्युनिटी के साथ पिछले काफ़ी देर से यहाँ हो रही है, हम उसको बार बार यूनियन होम मिनिस्टर, यहाँ के गवर्नर, उससे पहले चीफ मिनिस्टर के सामने रख चुके हैं पर सारी बातें यूं की यूं रह जाती हैं, किसी पर भी सॉल्यूशन नहीं होता।
तो आज अब इलेक्शन का टाइम आया, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं हमारे बलबूते पे सीटें लेती थी, बहुत से ऐसे असेंबली सेगमेंट्स हैं कश्मीर में भी और जम्मू में भी जहां पे हमारे वोट बैंक से वोट का फैसला होता था उस कॉन्स्टिट्यूंसी में। अभी आपको मैं जैसे मिसाल दूं, पुलवामा की कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें 17,000 वोटर है हमारा, बारामूला की कॉन्स्टिट्यूंसी है 14,000 वोटर है हमारा, यहाँ पर अमीरा कदर की कॉन्स्टिट्यूंसी है 9,000 वोटर है हमारा, इसी तरह से। और हमने सारी डिटेल आपको नहीं दूंगा, लेकिन हमने एक बार फैसला इस बार लिया कि अगर सरकार हमारा हल नहीं ढूंढ सकती तो यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी जिसके साथ हम हमेशा चले हैं, जुड़ के रहे हैं, दुख और सुख जो है वो हम लोगों ने शेयर किया है, आज हम मेजॉरिटी कम्युनिटी से अपील करेंगे यहाँ पर कि इस बार हम कश्मीर से 3 या 4 सीटें हम लोग अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पिछले 70 साल में हमने कभी आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, हम सरकार से मांगते आए हैं लेकिन लोगों से कुछ नहीं मांगा, हम लोगों से इस बार मांगेंगे कि साहब आप हमारे कैंडिडेट्स को यहाँ उनको जिताने में हमारी मदद करें और उनको असेंबली में पहुंचाने में मदद करें, वो अपनी बात के अलावा वो कश्मीर के कौम की बात करें। गुज़श्ता 5 साल में जम्मू कश्मीर के आवाम को मसाइब और मुश्किल के सिवा कुछ देखने को नहीं मिला, असेंबली और पार्लियामानी हलकों की हदबंदी करके अपनी मन मर्जी चलाई और सब कुछ तहस नहस किया गया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। गुरेज सड़क हादसे में जख्मी पुलिस अहलकार 10 दिन तक मौत हयात की कश्मकश के बाद कल आखिर अपनी जिंदगी की जंग हार गया। पुलवामा में पुलिस ने चोरी का मामला हल किया, चोरी शुदा सामान बरामद करके 3 नकबजन को गिरफ्तार कर दिया गया। और आखिर में ये खबर, अहलिये मरहूम हाजी नजीर अहमद लोन साकिने साजगरीपोरा हवल के लवाकीन इतला देते हैं कि मरहूम हाजी नजीर अहमद लोन की अहलिया 12 अगस्त 2026 पर रोज सोमवार दुनियाई फानी से रहलत कर गई। इस सिलसिले में मरहूमा की इज्तिमाई फातेहानी उनके आबाई मकबरा वाकई वाटपोरा नजदीक काउ कल श्रीनगर बरौजी जुमा 16 अगस्त दिन के 2:30 बजे अंजाम दी जाएगी। तो नासरीन ये था आज का खबरनामा, दीजिए मेजबान हया जावेद को इजाजत, अल्लाह हाफिज़। नासिर।